जो दिल बड़ा तेरा तो दूर कर जहां के गम तू सारे दुख सारे मेरे यार मेरे प्यार। बेसिक मेडिकल डाटा, हम लोगों का जो शरीर है उस शरीर को जानने के लिए जो बेसिक चीज है वो है बेसिक मेडिकल डाटा। ये कहा जाता है जो खाना खाने के बाद पहला खाना जो खाया, जो ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, जो मतलब लंच है, जो सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो खाना खाया, उसके बाद जो 20 मिनट का कुछ काम मत करो, थोड़ा सा लेट जाओ। कैसे लेटना है? जैसे विष्णु लेटता है ना, इससे क्या होता है, वाम कुक्षी ऐसे कुछ होता है शेष नाग के ऊपर, जैसे कि विष्णु लेटता है जिस तरफ, इस तरफ थोड़ा सा ऐसे के लेट जाओ 20 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, बोलते हैं जो कि सूर्य नाड़ी जो है वो खुलता है, खुलने से क्या होता है, खाना को हजम करने में बहुत सुविधा होता है छोटा सा, और फिर क्या, जठर जो होता है वो और भी प्रज्वलित होता है, जठर और भी स्ट्रांग हो जाता है, इससे क्या होता है, खाना हजम करने में अच्छा होता है। तो जो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उन लोग अगर खाना खाने के बाद, दोपहर में खाना खाने के बाद या फिर दोपहर जिसका जिसका सुबह होता है, अगर 20 मिनट के लिए थोड़ा सो गए इस तरफ मुड़ के, वो उसका काम करने का बहुत उसके अंदर जोश आ जाता है। लेकिन ये है जो बहुत हार्ड लेबर करते हैं उन लोगों के लिए। तुम लोग देखते हो जो लेबर लोग होते हैं, इन लोगों को बताया नहीं है किसी ने, लेकिन उनको सब मालूम है। लेबर लोग क्या करता है, काम करता है फिर खाना खाता है, खाना खा देंगे थोड़ा सो लेता है, तो अपना गमछा रखता है थोड़ा सो लेता है। जैसे मैंने बताया जो पहले खाने के बाद दो खाना है ना, सुबह का और सुबह दिन खत्म होने से पहले का, सुबह के खाने के बाद जैसे मैंने कहा है 20 मिनट तक थोड़ा सो लो या थोड़ा सा विष्णु के जैसे लेट लो, लेकिन उसी तरह से उसका उल्टा है, शाम के खाने के बाद नो स्लीप। क्यों? क्योंकि सुबह के खाने के बाद तो सूरज है, सूर्य की रोशनी है जो तुमको हेल्प करता है, शाम के खाने के बाद तो सूरज की रोशनी नहीं है, तो उसके बाद कम से कम मतलब 2-3 घंटे तक तो सोना नहीं है। शाम के खाने के बाद 2-3 घंटे तक सोना नहीं है कम से कम। और अगर सोचो जी कि तुम खाना खाने के बाद सो नहीं पा रहे हो, तो फिर तुम लोग वज्रासन करके बैठ सकते हो, दोनों पैर को ऐसे के रख के, ऐसे के जैसे कि बैठते हैं, उसे बाद में बताएंगे, दोनों पैर को ऐसे के रख के तुम लोग बैठ के वज्रासन करके खाना खा सकते हो। खाना खाने के बाद थोड़ा ऐसे के बैठोगे, इससे क्या होगा, खाना हजम होगा, हजम होने में मदद करेगा। और अभी हम लोग जो सोते हैं, सोने के तरीके से भी हम लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स ना होने से वो बढ़ सकते हैं। जैसे हेड है हमारा सिर क्या है, नॉर्थ सोचो, और पैर जो है वो है साउथ। और सूरज में हमारे पृथ्वी में भी होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अभी सूरज हमारे पृथ्वी का एक मैग्नेटिक फोर्स है, तो क्या होता है जब मेरा सर नॉर्थ के तरफ फेस करके सो रहा है, तब क्या होगा, मेरा सर भी नॉर्थ है, शरीर के हिसाब से नॉर्थ है ना, मेरा सर नॉर्थ है, मेरे शरीर का भी एक मैग्नेटिक फोर्स है, वो नॉर्थ के तरफ है, तुम नॉर्थ के तरफ सिर रख के सो रहे हो, इससे क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ एक हो जाएगा तो रिपेल होगा, इससे क्या होगा, नींद नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, नींद नहीं आएगा, इंसोमेनिया होगा। कभी देखो सर कि तुम सो गए कहीं पे और तुम्हें नींद नहीं आ रहा है, सबसे पहले पता करो जी कि क्या हो रहा है, या फिर तुम्हारा धड़कन बढ़ रहा है, तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, पता करो जी कि तुम, हम अभी क्या, हमारा भी आदत हो गया, हम कहीं भी जाते हैं पूछ लेते हैं घर के मालिक से जो कि ईस्ट किधर है, हम ईस्ट के बारे में क्यों पूछते हैं ये बताते हैं। अब नॉर्थ के तरफ हम, तुम देखोगे जो कि हमारे देश में जब कोई मरता है, कोई मर जाता है, तो जब भी पंडित को बुलाते हैं, पंडित सबसे पहले बोलता है उत्तर के तरफ रखो सिर को, पंडित को आते ही पंडित बोलता है उत्तर के तरफ रखो सिर को, नॉर्थ के तरफ रखो, वाकई पूछता है कहाँ है नॉर्थ, नॉर्थ के तरफ सिर को रखो। क्यों? क्योंकि
अब वो तो मर गया है ना, नॉर्थ मतलब तुम अगर नॉर्थ के तरफ सिर रख के अगर जिंदगी भर सो गए तो ज्यादा दिन तुम्हारा जिंदगी नहीं रहेगा। मर जाने के बाद नॉर्थ के तरफ रखते हैं। अभी नॉर्थ है, नॉर्थ का उल्टा है साउथ, साउथ तो नॉर्थ का उल्टा, तुम अगर अर्थ का ये है नॉर्थ साउथ और तुम्हारा ऐसे है, तुम्हारा अगर ऐसे है तो तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, रिपल्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे करके सोया तुम, इसमें क्या होगा, रिपल्शन मत अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने से क्या होगा, क्योंकि अनलाइक पोल्स है, नॉर्थ नॉर्थ लाइक पोल्स है, इसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, दूर जाते हैं। और अभी नॉर्थ साउथ होगा तो अट्रैक्ट होगा, है ना। अट्रैक्ट होने से क्या होगा, तुम्हारा शरीर खींचेगा, जब तुम्हारा शरीर खींचेगा तब क्या होगा, रिलैक्स होगा। शरीर जब खींचेगा तो तुम्हें शरीर में रिलैक्सेशन मिलेगा, शांति मिलेगा। शरीर जब खींचेगा तो तुम्हें नींद भी अच्छा आएगा, तुम्हारा टेंशन कम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये सब कुछ होगा। लेकिन ईस्ट जो है, ईस्ट को बोलते हैं न्यूट्रल, ईस्ट को बोलते हैं न्यूट्रल, सबसे अच्छा जगह तरफ सिर रखने का जगह है ईस्ट। ईस्ट में अगर रहोगे, हमारा ईस्ट उधर है, हम जब भी सोते हैं ईस्ट के तरफ सिर रख के ही सोते हैं, सबसे अच्छा है ईस्ट के तरफ सिर रख के सोना, या फिर ईस्ट नहीं है तो साउथ के तरफ सिर रख के सोना। इसमें भी कुछ है, अगर तुम सोचो जो मैं पहले ये बता दूं, जो कि तुम अगर नॉर्थ के तरफ रख के सोओगे या फिर इस तरह से उल्टा तरफ रख के अगर सोओगे सिर को, तो तुम्हारा दिमाग का भी प्रॉब्लम्स हो जाएगा, मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाता है। अगर सोचो जो कि तुम अब कौन ईस्ट के तरफ सर रख के सोए और कौन साउथ के तरफ सर रख के सोए, सोचो जो कि जो इंसान है, मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य की परिभाषा ये है जो कि जो दूसरों के लिए करता है वो मनुष्य है, जो खुद के लिए करता है वो जानवर है। अगर तुम मनुष्य हो या फिर तुम दूसरों के लिए करना चाहते हो या फिर तुम करने वाले हो या फिर तुम चाहते हो जो कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, तो तुम ईस्ट के तरफ सर रख के सो। और अगर तुम गृहस्थ हो, तुम्हारा सब कुछ एकदम एक जानवर के जैसे है, स्वार्थ और अपने जैसे ही सब कुछ है, तो तुम साउथ के तरफ सर रख के सो। इस तरह से तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं हर समय ईस्ट के तरफ सर रख के सोने का, जिससे कि अगर हमारे अंदर कोई कमी भी आ जाए तो वो उससे मेकअप हो जाए। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने अपने प्रकृति को पहचानेंगे। प्रकृति तीन तरह का होता है, प्रकृति तीन तरह का होता है, एक है वात, पित्त, कफ। ये तीनों ही होता है हमारे शरीर में, अच्छाई लाता है, खराबी आता है, कमी आता है तो दोष उत्पन्न होता है। इन तीनों चीजों को कंट्रोल करके हमारे शरीर को चलना पड़ता है। अधिकतर लोगों के अंदर एक ही चीज होता है, या तो वात प्रकृति के होते हैं या पित्त प्रकृति के होते हैं या कफ प्रकृति के होते हैं। अभी हम लोग एक तरह का, हम लोग एक चीज बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम तुम लोगों को बोलेंगे, जैसे कि तुम्हारा शरीर का ढांचा, हम अगर बोलेंगे तुम्हारे शरीर का ढांचा पतला है, अगर तुम्हारा पतला है तो वन लिखोगे, अगर हम लिखेंगे बोलेंगे जी कि मोटा है तो थ्री लिखोगे, और अगर बोलेंगे मीडियम है, ना पतला है ना मोटा है, तो टू लिखोगे। जिसका पतला शरीर है वो वन लिखेगा, जिसका मोटा शरीर है वो थ्री लिखेगा, जिसका मीडियम शरीर है वो टू लिखेगा, ठीक है। अभी स्किन, शरीर का जो चमड़ा है, स्किन जिसका ड्राई है, सूखा सूखा स्किन है, वो वन लिखेगा। जिसका ऑयली स्किन है, तेल तेल जैसा स्किन है, बहुत ऑयली स्किन है, वो टू लिखेगा। और जिसका थोड़ा मोटा चमड़ा है और बहुत ही मतलब लुब्रिकेटेड है, मतलब उसमें बहुत मोटा चमड़ा है लेकिन इतना ड्राई भी नहीं है, इतना ऑयली भी नहीं है, मीडियम मतलब ठीक ठाक और मोटा चमड़ा है, उसमें बहुत घाम आता है और बहुत अच्छा होता है, उन लोग थ्री लिखेंगे, ठीक है। अभी हेयर, ये जो चूल है हमारे केश,
जिसका चूल रफ है, मतलब जिसका रफ है चूल, मतलब सूखा सूखा चूल है, वो बहुत इधर उधर हो जाता है, सूखा चूल है जिसका, वो लिखेंगे वन। जिसका फाइन, एकदम एकदम बहुत मेरे चूल के जैसे, एकदम बहुत ही एकदम फाइन चूल है, एकदम बहुत ही सुंदर कोमल चूल है, वो लिखेंगे टू। और जिसका करली करली चूल है, जैसे रुखसाना का है करली चूल है, घुंघराले वाले चूल है, वो लिखेंगे थ्री। इस तरह से तुम लोग लिख लो, वन टू या थ्री, इस तरह से अपना लिख लो, फिर बाद में बताऊंगा तुम्हारा कौन सा है, तुम खुद ही पता लगा लोगे, जो कि मेरा वात का दोष है या पित्त का दोष है या कफ का दोष है, मुझे किस चीज़ में ध्यान देना है। अभी तुम्हें कैसा क्लाइमेट पसंद होता है, किसी को गर्मी पसंद होता है, किसी को सर्दी पसंद होता है, किसी को दूसरा टाइप का पसंद होता है, तो तुम्हें कैसा क्लाइमेट पसंद होता है, माने जब किसी किसी को जब सर्दी आता है तो बहुत अच्छा लगता है, गर्मी आता है तो बहुत परेशानी होता है, किसी किसी को क्या होता है, सब क्लाइमेट सुहाता है लेकिन जब पसीना आता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, तब उसका हालत खराब हो जाता है। अगर तुमको गर्मी का वार्म क्लाइमेट अच्छा लगे तो तुम वन लिखो, अगर तुमको ठंडी का कूल क्लाइमेट अच्छा लगे, ठंडा ठंडा थोड़ा थोड़ा हो रहा है, आह कितना मजा आ रहा है, तो तुम उसको टू लिखो। और अगर तुम्हें सब क्लाइमेट तुम सह सकते हो लेकिन तुम ह्यूमिडिटी नहीं सह सकते हो, जब पसीना आता है, घाम निकलता है, गर्मी निकलता है, ओह तुमसे और रहा नहीं जाता है, अगर तुम्हारा ऐसा है तो तुम थ्री लिखो, ठीक है। अभी एपेटाइट, एपेटाइट माने भूख लगना। अभी अगर तुम्हारा, अगर तुम्हारा, तुम्हें अच्छा भूख लगता है, गुड, अगर गुड है तो तुम लिखो टू। अगर ठीक ठाक है, फाइन अगर है, ठीक ठाक है, तो तुम थ्री लिखो। और अगर कभी भूख लगता है, कभी नहीं लगता है, चेंज होता रहता है, वेरिएबल अगर है, तो वन लिखो, ठीक है, लिखो। अब एक्साइटेबिलिटी, जोश में आ जाना, किसी कोई कोई ना बहुत जल्दी जोश में आ जाता है, कोई जोश में आता ही नहीं है, ठीक है। अगर तुम बहुत, तुम जल्दी ही जोश में आ जाते हो, बहुत हाई है तुम्हारा जोश में आने का, तो तुम लिखो टू। और तुम एकदम ढीले डाले हो, जोश में नहीं आते हो सुदामा, तुम लिखो थ्री, ठीक है। और अगर तुम्हारा मीडियम है, जब जोश में आना होता है आ जाते हो, जब नहीं आना होता एकदम ठंडा रहते हो, तब तुम लिखो वन। अभी हम लोग देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग बहुत एक्टिव हैं उन लोग टू लिखो, बहुत एक्टिव है, एकदम जोश के साथ सब काम इधर उधर, जैसे कि मेरा जैसे है, बहुत एक्टिव है, उन लोग टू लिखो। जो एकदम कोई एक्टिव ही नहीं है, एकदम धक्का मार मार के चल रहा है सुदामा, उन लोग थ्री लिखो। और जिन लोग नॉर्मल है, एक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन एक्टिव है, ठीक है, उन लोग वन लिखो, चंद्रगुप्त वन लिखो, ठीक है। उसके बाद मेमोरी, याददाश्त, जिसका याददाश्त छोटा है वो वन लिखो, जिसका बहुत लंबा याददाश्त है वो थ्री लिखो, और जिसका मीडियम याददाश्त है, याद रहता है भूल जाता है, वो टू लिखो। हम मनुष्य हैं, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करें, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। स्लीप, सोना, तो जो साउंड स्लीप सो सकता है उन लोग लिखो थ्री। जो जिनका बहुत जल्दी ही नींद टूट जाता है, थोड़ा सा उसमें ही नींद टूट जाता है, उन लोग लिखो वन। और जिनका मीडियम है उन लोग लिखो टू, ठीक है, अपना अपना स्लीप को पता कर लो, ठीक है। उसके बाद पल्स, ये जो हमारे इसमें जो पल्स है, पल्स किसी किसी का बहुत वेरिएबल होता है, और बहुत, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है, वेरिएबल चेंज होता रहता है, और बहुत फास्ट होता है, उन लोग लिखो वन। इसको तुमको अपना पल्स खुद देखना पड़ेगा। फिर किसी किसी का पल्स जो होता है एकदम स्ट्रांग होता है, एकदम पकड़ो तो एकदम धक धक और फुल होता है, पूरा एकदम जवान जिसका होता है, एकदम फुल होता है, तो किसी किसी का कभी कभी बज, कभी ऐसे पकड़ोगे कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, किसी किसी का एकदम धक 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 करके बज रहा है, वो एकदम, वो है
तू लिखो, और जिसका स्लो है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है लेकिन स्टडी है वो 3 लिखो। अभी क्वालिटी, हर एक इंसान में क्वालिटी होता है, नेचुरल क्वालिटी होता है। कोई कोई होता है क्रिएटिव होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, उसको इस चीज़ से ये चीज़ निकालना, उस चीज़ से वो चीज़ करना, बहुत क्रिएटिव होता है वो। जो क्रिएटिव है वो लिखो 1। फिर कोई कोई होता है जो लीडर होता है, एकदम लोग उसके बातों को अपने आप ही मान लेते हैं, उसके अंदर लीडर लाइक क्वालिटी होता है, वो 2 लिखो। और कोई कोई होता है फॉलोअर है, हाँ ठीक है आप जो बोलेंगे करेंगे ना, हाँ ठीक है जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी हो जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जो फॉलो जो अच्छा कर सकते हैं उन लोग 3 लिखो। अभी डाइजेशन, हजम होने का शक्ति, किसी किसी का डाइजेशन बहुत ही पावरफुल होता है, वो कितना भी कटहल दे दो खा के हजम कर लेगा, वो बोलते हैं ना लोहा खा के भी हजम कर लेगा। किसी किसी का डाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो कुछ भी खा के हजम कर सकता है। अगर ऐसा अगर तुम हो तो तुम अपने आप को 2 नंबर दो, ठीक है। कोई कोई होता है उसका डाइजेशन बहुत ही खराब होता है, छोटा सा चीज खाया और बड़ा सा टाइम के लिए टॉयलेट में घुस के बैठ गया, ठीक है। जिसका ऐसा है डाइजेशन लो है उन लोग 3 लिखो। और जिसका डाइजेशन इरेगुलर है, कभी तो अच्छा है कभी बुरा है, कभी अच्छा हजम होता है कभी अच्छा नहीं होता, इरेगुलर है, वो 1 लिख लो। अभी प्यास लगना, थर्स्ट, किसी किसी को ना बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगता है, जिसको बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगता है माने वेरी ऑफन, वो 2 लिखो। किसको प्यास, किसी किसी को ऐसा प्यास लगता ही नहीं है, उन लोग 3 लिखो। जिसका इरेगुलर है, कभी तो प्यास लगता है कभी नहीं लगता है, पी लिया तो पी लिया नहीं तो नहीं पिया, उन लोग 1 लिखो। अभी एटीट्यूड टू प्रॉब्लम्स, परेशानी जब आता है तो बहुत चिंता करने लगता है, हाय क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबल, गुस्सा वाला हो जाता है, ऐसा अगर कोई है तो वो अपने आप को 1 नंबर दो। और जो जिसके ऊपर एंगर आ जाएगा, जो परेशानी आने से जो गुस्सा आ जाता है, ए क्यों आया परेशानी, कौन गया ऐसे करता है, वो अगर है तो 2 लिखो। और जो होता है पीसफुल, परेशानी आया कोई बात नहीं, आया तो जाएगा भी, पीसफुल है, स्लो है, स्टडी है, कोई बात नहीं, परेशानी आ गया अरे चिंता क्यों करते हो, परेशानी आ गया ठीक भी हो जाएगा, अगर ऐसा है तो वो अपने आप को 3 नंबर दो। अभी स्पीच, बात करना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत फास्ट बात फिर कुछ बात भी मिस कर जाते हैं, जिन लोग बहुत फास्ट बात करते हैं और कभी कभी बात ही मिस कर जाते हैं, इतना फास्ट बात करते हैं जो बात ही मिस कर जाते हैं, करके बात करते हैं, उन लोग अपने आप को 1 नंबर दें। और जो लोग बहुत ही शार्प, एकदम प्रिसाइज और प्रोवोकेटिव, बहुत मतलब बातों के अंदर अपने बातों से किसी को जगा सकते हैं, किसी के अंदर वो पैदा कर सकते हैं, एकदम जोश पैदा कर सकते हैं, बातों में ही उनका जादू है, वो अगर ऐसा कोई है तो अपने आप को 2 नंबर दो। और कुछ लोग हैं जो कि बहुत स्लो, हम ना जाएंगे सुदामा के जैसे स्लो बात करता है, उन लोग अपने आप को 3 नंबर दो। अच्छा अभी मूवमेंट, चलना फिरना, ठीक है। कुछ लोग तो चल ही नहीं पाते हैं, गड़ा गड़ा के चलते हैं, कुछ लोग दौड़ दौड़ के चलते हैं, ठीक है। तो अभी मूवमेंट जिसका बहुत क्विक है, इधर 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 इधर, उन लोग अपने आप को 1 नंबर दो, ठीक है। जिसका मूवमेंट बहुत क्विक है, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं सबको, उन लोग अपने आप को 1 नंबर दो। और जिसका मूवमेंट नॉर्मल है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, जो सिंपल एकदम नॉर्मल एकदम सब कुछ करते हैं, उन लोग अपने आप को 2 दो। और जो बहुत स्लो है, हिलने को और ना हिलिंग डुलिंग ना पौ पौ करेंगे सुदामा के जैसे, ये बहुत हिल हिल के धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे सब काम करते हैं, इन लोग अपने आप को 3 नंबर दें। अब प्रिफर्ड, ये लास्ट चीज़ है, प्रिफर्ड टेस्ट माने कौन सा स्वाद तुम लोगों को अच्छा लगता है। किसी को मिठाई अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है, किसी को तीता अच्छा लगता है ना। तो जिसको मीठा और नमकीन अच्छा लगता है वो अपने आप को 1 नंबर दे।
जिसको मीठा खाना और नमकीन खाना अच्छा लगता है वो अपने आप को 1 नंबर दे, जिसको तीता कड़वा मीठा अच्छा लगता है वो अपने आप को 2 नंबर दे, और जिसको पंजेंट, पंजेंट माने जिसमें पंजेंट का क्या बताएं, जैसे पंजेंट माने मिक्स तरह का अच्छा लगता है, उन लोग अपने आप को 3 नंबर दे। हम मनुष्य है, दुर्लभ ये जन्म है, इसको खोना ना, आओ प्रण करे, स्वधर्मी होंगे हम, स्वदेशी अपने कर्म। अभी तुम लोग ये चीज देख लो, अभी किसी के अंदर 1 दोष हो सकता है, किसी के अंदर 2 हो सकता है, किसी के अंदर 3 भी हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर एक चीज प्रोमिनेंट रहता है वो ज्यादा अच्छा होता है। किसी के अंदर 2 चीज भी होता है, जिसके अंदर 3 ही होता है उसमें थोड़ा वो होता है। अभी सोचो जी कि तुमने अगर 1, तुम्हारे अगर 1 ज्यादा है तो अगर तुम्हारा, तुम अभी कैलकुलेट कर लो, तुम देख लो तुम्हारा 1 कितना है, 2 कितना है। सोचो 1 तुमने 4 जगह पे 1 दिया तो 1 हो गया 4, और 2 तुमने 6 जगह में दिया, 2 हो गया 6, और 3 तुमने 2 जगह में दिया तो 3 हो गया 2। ये तुम लोग कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करने के बाद तुम हमको बताओ जो कि तुम्हारा 1 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है। तो अगर तुम्हारा 1 ज़्यादा हुआ, तुम्हारा अगर 1 ज़्यादा हुआ तो तुम सोच लो तुम्हारा वात का, तुम वात, तुम्हारे वात प्रकृति के हो, तुम्हारे अंदर वात का प्रकृति है, ठीक है। अगर तुम्हारा 2 ज़्यादा हुआ तो तुम, तुम्हारा पित्त का प्रकृति है, तुम्हें ऐसा चीज करना पड़ेगा जो तुम्हारा पित्त कंट्रोल में रहे, तुम्हारा पित्त का अच्छा हो, तुम्हारा पित्त का वो हो, तो तुम्हें पित्त को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, पित्त प्रकृति के तुम आदमी हो। और अगर तुम्हारा 3 है, 3 ज़्यादा है तो तुम कफ प्रकृति के ज़्यादा हो। तो इससे तुम्हें मालूम चल जाएगा, बहुत कम ही होता है जो कि 3 ही बराबर होता है, बहुत कम होता है ऐसे प्रकृति के लोग जिसमें 3 ही बराबर होता है। मैं तुम लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ, कितना पानी इंसान को पीना चाहिए उसके वेट के हिसाब से। सोचो जो कि तुम्हारा 60 किलो वेट है, ठीक है, तुम्हें अपना अपना वेट मालूम है, सोचो तुम्हारा 60 किलो वेट है। अब 60 किलो को 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है, वो ठीक है, कितना पानी तुम्हारे लिए चाहिए। 60 किलो को 10 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ, 6 माइनस 2 कर दो, कितना हुआ, 4। मतलब 60 किलो का जो इंसान है उसको 4 लीटर पानी कम से कम सारे दिन में पीना चाहिए। तुम्हारा अगर 80 किलो है तो 80 को तुम 10 से डिवाइड कर दो तो 8 हुआ, 8 माइनस 2 6, तो 80 किलो के आदमी को कम से कम 6 लीटर पानी पूरे दिन में ज़रूर पीना चाहिए। ये एक रेशो है, ये एक छौक है, फॉर्मूला। अब सोचो जी कि तुम्हारा 40 किलो है तो 40 किलो को तुम 10 से डिवाइड करो, फॉर्मूला वही है, जो भी वेट है उसको 10 से डिवाइड करो, 4 हुआ, 4 से 2 माइनस करो तो 2 लीटर पानी पियो। अब ये मत पूछो जी कि जिसका 20 किलो है वो क्या करेगा, वो पानी ही नहीं पिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी सभी को कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही पड़ेगा, 3 लीटर पानी सभी के लिए अनिवार्य है। अच्छा, अभी जो मैंने पहले बताया था जो कि 15% बीमारियां ऐसी होती है जिसके लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशलिस्ट की, उसके सिवा 85% बीमारियां हम लोग खुद ठीक कर सकते हैं। अब 85% बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें वात, पित्त, कफ को जानना पड़ेगा, जो हमने जान लिया। अब जानने के बाद अभी हम क्या करेंगे, तीनों को किस तरह से बराबर कर सकते हैं। कोई कोई ऐसा खाना होता है जिसमें हम तीनों को ही, वात, पित्त, कफ तीनों को ही कंट्रोल में कर सकते हैं। कोई कोई खाना होता है जो खाली वात को कंट्रोल में करता है, कोई कोई होता है जो पित्त को कंट्रोल में करता है, कोई कोई होता है जो कफ को कंट्रोल में करता है। तो इस तरह से है, लेकिन बहुत कम ऐसे खाने हैं जो, ऐसे फ्रूट्स हैं, ऐसे चीज हैं जो तीनों को ही कंट्रोल में रखते हैं, और जो ऐसे फल है या फिर ऐसे चीज़ हैं जो तीनों को कंट्रोल में करते हैं वो बोल सकते हो अमृत फल है।